पूरे तरीके से गलत है। मैं इसको सिरे से नकारता हूं, ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया, और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का यह बयान है या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सिरे से मैं नकारता हूं, और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है इस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है, वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। इस प्रकार की गलत बयानबाजियां, और कोई अगर गलत बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना, ये दोनों एकदम सिरे से गलत है। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।